हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीर और मेरे गांव का नाम है डुमड्डी, जो झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं क्योंकि काफ़ी दिनों की प्लानिंग के बाद आज मौका मिल रहा है कहीं निकलने का घर से, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है और थोड़ी बहुत छूट तो है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। और आज मैंने जो प्लान किया है कहीं जाने का, तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे बाइक पर। हाँ जी गाइस, तो हम लोग निकल गए हैं घर से। और दोस्तों, विंड नॉइज ज़्यादा होने के कारण मैंने इसमें वॉइस ओवर किया है। अभी हम लोग पहुँचे हैं नेशनल हाईवे अपने गांव से निकलकर। इससे पीछे जाएंगे दोस्तों तो हम चल जाएंगे गुमला की ओर, लेकिन हम जा रहे हैं राइट साइड पालकोट की ओर। अभी हम लोग गुजर रहे हैं डुमड्डी के चौक से। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आप इसे देख पाएंगे दो भाग में। और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं उर्मी नाम के जगह पर। यहीं से एक बाईपास गुजरती है जो रांची को जसपुर से जोड़ती है। जसपुर का मतलब है कि छत्तीसगढ़। और आप जैसा देख सकते हैं, मेरे बाएं साइड एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा पहाड़ी के ऊपर, तो यहाँ पर रथ मेला लगता है। कुछ ही दिनों में रथ मेला शुरू होने वाला है, तो दोस्तों कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ भी घुमा पाऊँ। और इसी के ठीक नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्कूल दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है RC प्राइमरी पब्लिक स्कूल, जो अभी कोरोना के कारण बंद है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, अभी जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, ये चला जाता है पालकोट, और पालकोट के बाद ये चला जाता है राउरकेला ओडिशा की ओर। तो हम लोग को जाना है आज पालकोट तक ही। और अभी जो हम लोग पहुंचने वाले हैं, इस जगह का नाम है अम्बेराटी। मेरे बाएं साइड एक रास्ता जाता है दोस्तों, वो चला जाता है FCI गोदाम की तरफ। और इस जगह पर संडे और थर्सडे को एक बाजार लगता है, जो गांव का बाजार होता है। दोस्तों, घुमावदार सड़कें हो और किनारे किनारे हरियाली छाई हो, तो उस सड़क पर चलने का क्या ही मजा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे दाहिने और बाएं साइड पूरा जंगल ही जंगल है, जो साल का जंगल है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं बैकमा नाम के जगह से। यह एक छोटा सा जगह है जो पालकोट और गुमला के बीच में पड़ता है। दोस्तों, यह बहुत बड़ा जगह तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे ढाबे और छोटे छोटे दुकान यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग रुके हुए हैं एक जगह पर, और ये जगह पूरा जंगल वाला इलाका है। दोस्तों, पालकोट जो जगह है, ये असल में एक अभयारण्य भी है। अब देखिए, मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, वन्य प्राणी प्रमंडल रांची। और इसमें देखिए, ये चीता का फोटो लगा हुआ है, पर्यावरण पर करें विचार, इसमें है जीवन का सार। मतलब दोस्तों कि यहाँ सभी जानवर मिल जाते हैं, हाथी, चीता, भालू और छोटे छोटे जीव जंतु। तो ये एक अभयारण्य है, हालांकि बीच बीच में बहुत सारे गांव भी हैं। तो हम लोग चलते हैं, चलिए आगे। दोस्तों, पालकोट से लगभग 2 किलोमीटर पहले इस जगह, ये जगह लेफ्ट जा रही है, ये सीधी सड़क जाती है पालकोट, और इससे हम लेफ्ट चल जाएंगे तो एक गोबरसिल्ली नाम का जगह है। तो पहले यहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं।
हाँ जी गाइस, तो हम लोग अभी हैं पालकोट में ही एक गोबर सिल्ली नाम के जगह पर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उससे पहले आप लोग यहाँ के चारों ओर का नज़ारा एक बार देख लीजिए। दोस्तों, ये जो सामने आप दो बड़े बड़े चट्टान टुकड़े होकर खड़े हुए दिख रहे हैं, ये दोस्तों इनको शिव और पार्वती नाम दिया गया है। और दोस्तों, इसी के बगल में एक ऐसा चट्टान है जो ऐसा बोला जाता था कि पहले के ज़माने में ये जो छोटी उंगली है उससे भी हिल जाता था। सामने आप देखिए बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, ऐसा लगता है कि ये किसी ने काट के यहाँ पर रख दिया है, लेकिन दोस्तों ये एकदम नेचुरल है। और ये सामने आप देख रहे हैं चट्टान के ऊपर चट्टान और उसके ऊपर चट्टान, तो दोस्तों ये इसी का नाम गोबर सिल्ली है और इसी के नाम से इस जगह का नाम गोबर सिल्ली पड़ा है। और इसी के बगल में एक दोस्तों वॉच टावर भी बना है, इसके ऊपर हम अभी जाएंगे। तो इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि पुराने ज़माने में एक बुढ़िया थी, वो बाँस के टोकरे में गोबर लेके खड़ी थी, वो पत्थर बन गई, तो ऐसा बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है दोस्तों कि इसके ऊपर से जो बाएं हाथ से पत्थर जो फेंकेगा और पार कर देगा उसकी पूरी मन्नत पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये है वो पत्थर जिसको बोला जाता है कि ये छोटी उंगली से भी हिल जाता है। नीचे से इसका शेप कुछ ऐसा है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये हिलता है कि नहीं। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे ये पत्थर को हम हिला पाते हैं या नहीं, और ये हिलता कि नहीं इसको पता लगाने के लिए दोस्तों हमने क्या किया है, एक छोटी सी डंटल यहाँ के इसको यहाँ पर रख दिया है ताकि हिले तो ये पता चलेगा, ये मुड़ने लगेगा तो ऐसे में हमको पता चल जाएगा कि ये हिल रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये पूरा डंटल यहाँ पर हिलने लगा है, देखिए लेफ्ट राइट। यहाँ पर चारों ओर चट्टान ही चट्टान है, और चट्टान के कारण जब भी धूप पड़ती है हल्की सी भी तो वो पूरा गर्म हो जाता है, माहौल यहाँ का गर्म हो जाता है। और देखिए आप कुत्ते छाए में, पत्थर के छाए में कैसे सोए हुए हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। दोस्तों मन्नत तभी पूरी होती है जब इसको बाएं हाथ से पार कर देंगे इसको फेंक के पत्थर को, लेकिन मैं तो राइट हैंड ही हूँ तो मैं इससे फेंक के देखता हूँ राइट हैंड से, मन्नत पूरा हो चाहे नहीं कम से कम पत्थर पार हो जाए। नहीं होगा बाएं हाथ से, तो और नहीं होगा, हो गया। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हम लोग इस वॉच टावर पर चढ़ेंगे और ऊपर से देखेंगे कि कैसा नज़ारा मिलता है हम लोग को देखने के लिए। क्या बढ़िया नज़ारा है दोस्तों, यहाँ से आप देखिए चारों ओर जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहे हैं, और ये बगल में छोटी सी पहाड़ी और उसके नीचे से जाता हुआ रोड, और सामने अगर आप देख पा रहे होंगे धुंधला धुंधला ये सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आपको बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है वो है पालकोट का पहाड़, और ये काफ़ी फेमस है। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग वहां जाएंगे।
ये मेड़ जैसा बनाया हुआ, ये जल संरक्षण के लिए बनाया हुआ है। ये पहाड़ी से जो पानी पहले नीचे उतर जाता था उसको काट काट के ऐसे गड्ढे बना दिए गए हैं और उसमें पानी जमा जमा होते हुए नीचे ज़मीन में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मस्त हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी वाली हवा। और उस पहाड़ पर हम जाएंगे थोड़ी देर बाद, तब तक यहाँ पर बैठते हैं और थोड़ा सा नज़ारों का आनंद लेते हैं।